दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए YouTube एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। यहां पर आप हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए आप सालाना के कमा सकते हैं। YouTube के ऊपर कमाई का कोई अंत नहीं है। यदि आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, यदि आप किसी एक टॉपिक के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखते हो तो आप उस टॉपिक का एक YouTube अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उस टॉपिक के वीडियोस आप अपलोड करके YouTube से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। YouTube से गाइस बेसिकली तीन तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। पहला, एडसेंस अकाउंट के जरिए, मतलब जो वीडियोस के अंदर जो एड्स आती हैं उन एड का रेवेन्यू, उनका पैसा जो है वो YouTube क्रिएटर को जाता है। दूसरा, स्पॉन्सरशिप के जरिए, आप यदि अपने वीडियो के अंदर किसी एक प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ उसकी विशेषता बताते हो, उसके बदले कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा देती है। तीसरा, एफिलेटिंग मार्केट के जरिए। एफिलेटिंग मार्केटिंग क्या होता है कि यदि आप अपने वीडियो के अंदर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हो, उसकी विशेषता बताते हो और आपके व्यूवर्स आपके द्वारा दिए गए लिंक के जरिए उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसका कमीशन आपको जाता है। तो इस तरीके से आप YouTube से, इन तीनों तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। Google AdSense से पैसा कमाने के लिए आपके चैनल के ऊपर 1 साल के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए। जैसे ही आपके चैनल के ऊपर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप YouTube पार्टनरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी वीडियोस के अंदर एड आना शुरू हो जाती है और उस एड का जो रेवेन्यू है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, स्पॉन्सरशिप के लिए आपका YouTube अकाउंट्स जैसे कुछ चल जाता है, यानी आपके सब्सक्राइबर 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हो जाते हैं, साथ ही आपके अच्छे खासे व्यू आना शुरू हो जाते हैं तो कंपनी से आपको स्पॉन्सर मिलता है। आप अपने वीडियो में उस कंपनी के किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना होता है जिसके बदले आपको अच्छी खासी इनकम होती है। और तीसरा, एफिलिएट मार्केटिंग, आप डे वन से, मतलब आपने अपने यूट्यूब अकाउंट को क्रिएट किया और जब आपने पहला वीडियो डाला उस पहले वीडियो से आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए किसी भी प्रोडक्ट का आप रिव्यू करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज के इस आधुनिक युग के अंदर YouTube के ऊपर आपका एक अकाउंट जरूर होना चाहिए। आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, यदि आप अच्छा पढ़ा सकते हैं तो आप एजुकेशन का चैनल क्रिएट करें, यदि आप अच्छी कुकिंग करते हैं तो आप कोई भी कुकिंग का आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं, यदि आप अच्छा गेम खेलते हैं तो कोई गेमिंग चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई अपना एक व्लॉग बना सकते हैं, ट्रैवल पसंद है तो आप ट्रैवलिंग व्लॉग बना सकते हैं। कुछ भी यदि आपको नहीं आता तो कम से कम आप अपनी लाइफ स्टाइल का वीडियो क्रिएट करके आप उस ब्लॉग के ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। गाइस, पिछले कुछ दिनों में YouTube के अंदर काफी सारी तब्दीलियां आई हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेसिक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वहां से लेकर उस अकाउंट को मैनेज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही यदि हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक YouTube का अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। YouTube अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने YouTube एप्लीकेशन को खोल लीजिए, उसके बाद अपने प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करिए, आपके YouTube में जो पहले से अकाउंट लिंक है उस पर क्लिक करिए। एक नया YouTube अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एक नई Gmail ID की रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास जो पहले से Gmail ID है उसका आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है इस Gmail ID को आपने कहीं बैंक में लिंक करवा रखा हो, किसी और एडसेंस अकाउंट के साथ ये लिंक हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक YouTube अकाउंट्स के लिए जो Gmail ID है वो भी एक नई ही आप क्रिएट करें। तो
तो नई जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए ऊपर जो प्लस का सिंबल है इस पर आप क्लिक करिए, इसमें क्रिएट अकाउंट्स पे क्लिक करिए, और इसमें आपको बिजनेस के लिए करना है या फिर माई सेल्फ के लिए करना, तो आपको फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम और उसका सरनेम आपको डालना है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और जेंडर को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जिस नाम से आपको जीमेल आईडी क्रिएट करना है वो नाम यहाँ पे डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि ये नाम पहले से किसी ने यूज़ कर रखा तो इसके आगे आप कुछ नंबर्स डाल सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे यस आई एम इन करना है इसको, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे यूट्यूब के कुछ टर्म्स हैं उनको आपको आई एग्री करना है। तो इस तरह से गाइज आपकी एक नई जीमेल आईडी क्रिएट हो जाती है। इसके बाद आप अपने जो अकाउंट्स क्रिएट हुआ उस पर क्लिक करना है, और अभी ऊपर प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करके इसके यूअर चैनल पे आपको क्लिक करना है। और यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए यूट्यूब चैनल का एक आपको नाम देना होगा, जो आपको यहाँ पे नेम के आगे जो पेंसिल का सिंबल है इस पर आप क्लिक करके उसका नाम देंगे। यहाँ पर गाइज यहाँ पर कोई भी आप नाम दे सकते हैं, बट मेरी सलाह यही रहेगी कि आपका जिससे रिलेटेड आपका चैनल है उससे रिलेटेड ही आप अपना नाम रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। इसके बाद आपको एक हैंडल चूज करना होगा, हैंडल के लिए आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कोई भी अपना हैंडल इसमें डाल दें। जैसे हैंडल एक यूनिक होता है, जैसे इंस्टाग्राम हैंडल होता है, वैसे ही आप अपने चैनल का एक हैंडल आपका जो यूनिक है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और उसे सेव कर देंगे। यदि ये ऑलरेडी यूज है तो आपको कुछ और यहाँ पे सजेस्ट करेगा, आप वो भी चूज कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे कुछ चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे उसको सेव करना है, और इसको आपको कहीं पे भी अपनी बुक के अंदर या कहीं पे इसको नोट करके रखना है। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है, और यहाँ पर आपके YouTube चैनल के लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर्स भी आप क्लिक कर सकते हो, ले सकते हो, या फिर इसको बाद में भी आप ले सकते हो, और आपको यहाँ पे क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्रिएट चैनल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये यहाँ पे एक नया चैनल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल बन गया है। अभी इसको मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका नेम और हैंडल आ गया है। यहाँ से आप अपने चैनल की बाकी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कोई लोगो ऐड करना है, आपका कवर ऐड करना है, या फिर आपको इसके में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक लोगो चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक लोगो और एक कवर चूज कर लेते हैं। और यदि आपको नहीं पता कि लोगो कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर और उसको भी आप देख सकते हैं। तो लोगो के लिए आपको यहाँ पे इस सिंबल पे क्लिक करना है, और जहाँ भी आपका लोगो है आप वहाँ से उसको ब्राउज कर सकते हैं। जैसे मेरा अभी मैं इस गैलरी के अंदर जाता हूँ, गैलरी के अंदर जो मैंने ऑलरेडी एक लोगो बना रखा है हर्ष गेमिंग का, तो मैं यहाँ पे चूज कर लूँगा, और सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे सेव हो जाएगी। साथ ही जो कवर पेज है वो हम बाद में इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमें कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए आपको 1000 करेक्टर्स का स्पेस मिलता है, जो कि आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं भी अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसे सेव कर देंगे। अभी आपका चैनल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपके चैनल के ऊपर सारी चीज़ें आ गई हैं, आपका लोगो, नेम, हैंडल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। आप जितनी भी प्लेलिस्ट ऐड करेंगे वो आपके यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर शो करेंगी, जितने भी आपके अदर चैनल्स हैं वो आपके यहाँ पे चैनल में शो करेंगे, और अबाउट्स के अंदर आपका जो भी डिस्क्रिप्शन जो आपने डाला है वो आपका यहाँ पे शो करेगा। और ये रहेगा आपके नए YouTube चैनल का URL, जिसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अब आपका YouTube चैनल बन चुका है, और अब YouTube के ऊपर कैसे आपको वीडियो बनानी है, कैसे उसको एडिट करनी है, उसको अपलोड कैसे करना है, टाइटल कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे कैसे टैग लगाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं अगले कुछ दिनों में जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उनके ज़रिए आपको सीखने को मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें सीखने के लिए आप मुझे फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।